हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू पार्लियामेंट हाउस अभी हमें देखने को मिला, बनकर तैयार हो गया है, उसमें काम भी होने लगा है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था जब से इनॉग्रेशन हुआ है, बल्कि जब से बनना शुरू हुआ है तब से ही, कभी क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कभी तारीफ़ करने के लिए। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो डेफ़िनेटली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड हम कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ इनाग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? इसको इनाग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, ये ए गलत आ गया है, ठीक कर दिया जाएगा। इनाग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, और कब इनाग्रेट किया गया था? 28th of May 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो इसका आंसर होगा बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये जो नाम आप देख रहे हैं, राम वी सुतार, आपने पढ़ा होगा सरदार पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में लगाया गया है, उसको डिज़ाइन करने का काम इन्होंने किया था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर ए। पिक्चर में भी आप इनको देख लीजिए ताकि नाम याद रहे। न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बिल्ट बाय होम, तो कंपनी की बात चल रही है, किसने बनाकर तैयार किया है पूरा न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू शेप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो शेप आप यहां पर देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट हो जाता है। और बड़ी सुंदर सी लग रही है ना, कुछ अच्छा सा डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज़ इंस्टॉल्ड सेंगोल इन द लोकसभा चैम्बर। सेंगोल वाज अ सिंबल ऑफ रूलर इन विच एम्पायर? सेंगोल जो है, जो जिसको राजदंड भी कहते हैं, तो पूछा जा रहा है कौन से एम्पायर का सिंबल ऑफ रूल था सेंगोल, जिसे लोकसभा चैम्बर में लगाया गया है अभी। तो इसका आंसर होगा चोला एम्पायर, और सेंगोल कुछ उस तरह का है। और अगर आप न्यूज़ कभी कभी देख लेते हैं खाना खाते हुए, तो आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा इस पर बवाल मचा हुआ था, और बहुत कहीं वही चीज़ है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा था तो कोई तारीफ़ कर रहा था। और मैप में आप चोला एम्पायर देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया था चोला एम्पायर का साउथ में, ठीक है। सेंगोल जो है एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्चर है। ये शब्द जो है ये शब्द जो है सेंगोल, डिप्राइव्ड फ्रॉम तमिल वर्ड जो कि है सेमई, इसका मीनिंग होता है राइटियसनेस। ओरिजिनली इसको जवाहरलाल नेहरू को गिफ्ट किया गया था बाय लॉर्ड माउंटबेटन, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच प्रोजेक्ट? कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ये आप देख रहे हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर, ठीक है। हु वॉज द ओरिजिनल डिज़ाइनर ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही हमारा जो पुराने वाला पार्लियामेंट था उसको बनाया गया था, और पूरा वो जो उस एरिया का पूरा जो डेवलपमेंट है वो उसी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। अभी ये रीडेवलपमेंट किया गया है इसका। तो ओरिजिनल जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि किसने बनाया है हमारी पार्लियामेंट को, पुराने वाली को, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जितनी दिल्ली बनाई गई थी वो सेंट्रल दिल्ली, उसे लुटियंस की दिल्ली भी बोलते हैं, है ना। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर इसका आंसर होगा। इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकसभा इज थीम्ड ऑन, ऑप्शंस हैं लोटस, पीकॉक, बनियान ट्री या फिर अशोका ट्री। तो इसका आंसर है पीकॉक, पीकॉक की थीम पर ये बनाई गई है लोकसभा। इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकसभा थीम्ड ऑन पीकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। राज्यसभा जो है लोटस की थीम पर बनाया गया है, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है। और पार्लियामेंट का सेंट्रल लॉन्च जो है उसको बनियान ट्री की थीम पर बनाया गया है, जो कि हमारा नेशनल ट्री है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। विच कंपनी डिज़ाइंड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किसने किया है? तो ये कंपनी है HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था दिसंबर 2020, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ मेनी एंट्रेंसेज डज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैव? न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है, इसके एंट्रेंस कितने हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा तीन, तीन एंट्रेंस इसके बनाए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस हैज़ थ्री एंट्रेंस जिनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज, शक्ति मतलब पावर और कर्मा तो आप लोग को पता ही है। थ्री एंट्रेंसेस फीचर्स सिक्स स्टैचूज, इनका नाम क्या है? गज अश्व, गज और अश्व, ये आप देख रहे होंगे, हाथी और घोड़ा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को। फिर दूसरा एंट्रेंस जो हमारा है उसमें गरुड़ और मकर को रखा गया है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्काई को, यहाँ देख रहे होंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट में है शार्दुला और हम्स, यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को। ठीक है, नो यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। तो नई हमारी जो पार्लियामेंट हाउस है इसमें टोटल सीट्स हैं 1272। ओल्ड जो हमारा पार्लियामेंट हाउस था उसमें 800 सीट्स थी। अब देखिए डिज़ाइन कितना अलग है, ये राउंड में है और ये ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। फिर हम देखते हैं लोकसभा की सीट्स, लोकसभा में कितनी सीट्स बनाई गई हैं हमारे नए पार्लियामेंट हाउस में, तो ये हैं 888, 888। पहले लोकसभा में 556 सीट्स थी, 550 लोगों के बैठने की पहले जगह थी। राज्यसभा में अभी 384 सीट्स हैं, पहले 250 थी। मतलब जितनी संख्या संविधान में बताई गई ना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होगी उतनी ही रखी गई थी, अभी उनको बढ़ा दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए टोटल एरिया कितना है न्यू पार्लियामेंट हाउस का, 65,000 मीटर स्क्वायर मीटर, 65,000। पहले था 47,500, शेप इसका ट्रायंगुलर है, यहाँ पर शेप सर्कुलर था। आर्किटेक्ट इसके विमल पटेल हैं और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर थे। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, तो अभी 862 करोड़ रुपए कॉस्ट लगी है, 862 करोड़ टोटल कॉस्ट ओल्ड बिल्डिंग में, क्योंकि वो समय अलग था, उस समय पर महंगाई इतनी नहीं थी, तो फिर 83 लाख रुपये, 83 लाख रुपीज़ जो है ये लगे थे। सेंट्रल हॉल जॉइंट सिटिंग के लिए अभी नहीं है, पहले सेंट्रल हॉल हुआ करता था कि अगर जॉइंट सिटिंग करवानी है लोकसभा राज्यसभा की तो वो सेंट्रल हॉल में होगा, क्योंकि सीट्स यहाँ पर कम ही थी, 800 सीट्स थी, है ना, लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250, तो इसके लिए सेंट्रल हॉल की ज़रूरत थी। लेकिन अभी सीट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं तो इसीलिए सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है, जॉइंट सिटिंग अगर होनी है तो वो लोकसभा में ही होगी। नाउ कंस्ट्रक्शन टाइम कितना है, तो 2020 से, दिसंबर 2020 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और मई 2023 में कंप्लीट हो गया। इसका कंस्ट्रक्शन टाइम देखें तो 1921 में शुरू हुआ था, 27 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से क्या चीज़ मंगवाई गई है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से चीज़ें जो वहाँ पर फेमस हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, वहाँ से मंगवाई गई हैं। ठीक है, जैसे कालीन वर्क जो है उत्तर प्रदेश का फेमस है, तो वहाँ से कालीन वर्क किया गया है पार्लियामेंट हाउस में। टीक वुड जो है, टीक यानी कि सागवान की लकड़ी जो होती है, वो महाराष्ट्र से मंगाया गया है, महाराष्ट्र से करवाया गया है। फिर स्टोन कार्विंग्स जो है राजस्थान की हैं, वाइट मार्बल गुजरात से मंगाए गए हैं, बैम्बू फ्लोरिंग जो है त्रिपुरा की क्योंकि फेमस है तो वहाँ से करवाया गया है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है हरियाणा से मंगवाई गई है और स्टील वर्क दमन एंड दीव से करवाया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट भी शामिल है, दमन एंड दीव भी शामिल है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो लोकेशन इसकी क्या है, रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली, कंप्लीट हुआ था 28 मई 2023 को, इसी दिन इनॉग्रेशन हुआ था, हमारे पीएम ने किया था। टोटल फ्लोर कितने हैं इसमें, 4 हैं। आर्किटेक्ट ये हम देख चुके हैं, आर्किटेक्चर फर्म कौन है, तो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेन कॉन्ट्रैक्टर इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने लायक हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको बनाया गया है, मतलब कि जो हमारी न्यू बिल्डिंग है इट इज़ सपोज्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बाय 30%। अर्थक्वेक सेफ है, दिल्ली वैसे भी सिस्मिक जोन 5 में लोकेटेड है। और गांधी स्टैचू ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट है इन दोनों के बीच में 16 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू महात्मा गांधी की इंस्टॉल की गई है, 16 फुट
टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, कहाँ पर? ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट के बीच में। ठीक है, अब लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? बिमल पटेल, बीवी दोषी, लॉरी बेकर या फिर रामवीर सुधार? इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।